नमस्कार, ये स्टेट्स मिरर न्यूज़ इन हिंदी है कर्नाटका से। पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की दो प्राथमिकी। यह सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन का अनुसरण करता है। वकील ने शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में बताया। बेंच ने पुलिस को 5 मई तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया है। सूडान की भूमि से 362 भारतीयों को शहर में निकाला गया। राज्य के लोगों में उनमें से अधिकांश शिवमोग्गा के हैं। उसके बाद मैसूर और शेष बेंगलोर, हासन, दावणगेरे, कलबुर्गी, रामनगर और उड़पी के हैं। पहलवानों ने की भूषण की गिरफ्तारी की मांग। पहलवानों ने कहा कि वे WFI के पूर्व प्रमुख की गिरफ्तारी तक अपना विरोध जारी रखेंगे। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा, हम सर्वोच्च न्यायालय को उसके निर्देश के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हमारे लिए जीत की और पहला कदम है, लेकिन ये हमारे विरोध के अंत का प्रतीक नहीं है। अब एथनॉल ने सोनिया को कहा विषकन्या। कांग्रेस अध्यक्ष एम मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से करने वाली टिप्पणी के एक दिन बाद भाजपा विधायक बसन गौड़ा पाटिल और एथनॉल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या बताया। शुक्रवार को कप्पल जिले के यलबुर्गा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने सोनिया गांधी को चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहा। कांग्रेस ने श्री एथनॉल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोर सेक्टर्स का आउटपुट मार्च में 5 महीने के निचले स्तर 3.6% पर आ गया। भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि फरवरी में 7.2% से गिरकर मार्च में 3.6% के 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई। बिजली और सीमेंट उत्पादन में एक साल पहले की तुलना में गिरावट आई और कच्चे तेल का उत्पादन लगातार 10वें महीने में गिर गया।